दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी है एक बड़े चूहे और राजा की। यह कहानी है प्रतापगढ़ नाम के राज्य की। वह राज्य एक बहुत घने जंगल के पास बसा हुआ था और उसमें बहुत सारे गांव थे। उस प्रतापगढ़ राज्य का शासन विक्रम सिंह नाम का राजा किया करता था और वह अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखता था। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के गांव थे और वह गांव में सभी लोग बहुत सारे अनाज उगाते थे और जीव जंतुओं को पाला करते थे। फिर उन अनाज को वह राजा के पास ले जाते थे और राजा इकट्ठा करके जो सबसे ज़्यादा अनाज उगाता और सबसे ज़्यादा जीव जंतु पालता उसको राजा बहुत सारा सोने का इनाम देता। इस तरह पूरे गांव में सारे किसानों का मनोबल बहुत अच्छा रहता और वह बहुत सारा अनाज उगाते और बहुत सारे जीव जंतुओं को अच्छे से पालते हैं। राजा अनाज और जीव जंतुओं को इकट्ठा करके उनको गरीबों में बांट देता और बाकी बचे हुए अनाज वह दूसरे राज्य में बेच देता। इस तरह पूरे राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था। अगले साल राजा ने एक सैनिक को कहा, जाओ पूरे गांव में ऐलान कर दो, इस बार फिर हम अनाज उगाने का प्रतियोगिता करेंगे और जो जीतेगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। फिर एक सैनिक गांव में जाके पूरा ऐलान कर देता है, सुनो सुनो गांव वालों, राजा ने ऐलान किया है जो भी इस बार सबसे ज़्यादा अनाज उगाएगा और सबसे ज़्यादा जीव जंतुओं को पालेगा उसको राजा इनाम देंगे। यह बात एक चमन नाम का आदमी भी सुनता है। वह दूसरे राज्य से आया हुआ था किसी काम के लिए। वह चीज़ों को चोरी करके ब्लैक में दूसरे राज्य में बेचा करता था। वह अपने घर गया और सोचने लगा, राजा ने ऐलान किया है सबसे ज़्यादा अनाज उगाने का, इसका मतलब पूरे गांव वाले पूरा मेहनत करके बहुत सारा अनाज उगाएंगे, बस मुझे चोरी करना पड़ेगा। यह सोचकर वह एक बहुत बड़ा चूहा बनाता है और उसमें खिड़की और दरवाज़ा भी लगा देता है। बटन दबाते ही वह खिड़की और दरवाज़ा अंदर छुप जाते थे और वह एकदम असली चूहा लगता था। इस तरह उसने चोरी करने का पूरा प्लान बना लिया था। उधर गांव में पूरे गांव वाले बहुत सारा अनाज और जीव जंतुओं को पाल के कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। तभी चमन अपना बड़ा चूहा लेकर वहां पर आता है और चोरी करने का पूरा प्लान रेडी कर लेता है। चूहे को देखते ही पूरे गांव वाले डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी देर तक वह चूहा इधर उधर देखता है और अनाज और जीव जंतुओं को खोजने लगता है। थोड़ी देर बाद वह दौड़ते हुए अनाज और जीव जंतुओं के पास जाता है। उसके बाद वह सारे अनाज को खा के अपने पेट में रख लेता है। इसके बाद वह बैल, गाय और बकरी सबको खा जाता है। इस तरह वह रोज गांव में आता और लोगों के अनाज और जीव जंतुओं को खाकर वहां से वापस अपने घर चला जाता। फिर घर जाके वह सारे अनाज और जीव जंतुओं को वापस चूहे के पेट से बाहर निकालता। उधर राज्य में एक सैनिक जाके राजा से कहता है, महाराज, एक बड़े चूहे ने पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें अब। तभी राजा कहता है, देखो कुछ सैनिकों को ले जाकर उस चूहे को पकड़ने की कोशिश करो और उसको मार गिराओ। उसके बाद वह सैनिक बहुत सारे सैनिकों को लेकर उस चूहे को मारने के लिए निकल जाते हैं। उधर गांव में वह चूहा फिर से आता है और उसको देख के सभी गांव वाले भागने लगते हैं। लेकिन तभी वह सैनिक उस चूहे का पीछा कर लेते हैं। तभी वह चूहा पीछे घूम जाता है और उल्टा भागने लगता है। भागते भागते वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। कुछ देर तक सैनिक उसका पीछा करते हैं और दोनों ओर से घेरने की कोशिश करते हैं।
थोड़ी देर बाद सारे घोड़े उस चूहे को चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ सैनिक उस चूहे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर बाद बहुत सारे सैनिक उस चूहे के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वह चूहा वहाँ पर रुक जाता है और दोनों पैर पे खड़ा हो जाता है। तभी सारे सैनिक नीचे गिर जाते हैं और किसी तरह अपनी जान बचा के उस घोड़े पे बैठकर वापस राज्य की ओर भागने लगते हैं। अब पासा पलट चुका था। पहले सैनिक चूहे का पीछा कर रहे थे, लेकिन अब चूहा सैनिकों का पीछा करने लगा। सभी सैनिक एकदम डर गए और अपने घोड़े को तेजी से भगाते हुए राज्य की ओर आ गए। थोड़ी देर तक वह चूहा वहां पर पीछा करते हुए आया, लेकिन तभी उन्होंने राज्य का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वह चूहा थोड़ी देर तक वहां पर रुका और उसके बाद वहां से वापस लौट के जाने लगा। इस तरह पूरे राज्य में सभी लोग परेशान थे और राजा भी परेशान थे। सैनिक ने जाके राजा से कहा, महाराज हमने उस चूहे को बहुत मारने की कोशिश की, लेकिन वह चूहा बहुत खतरनाक है, हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आप ही बताओ हम लोग क्या करें। तभी राजा बोला, जाओ गांव में ऐलान कर दो, जो भी उस चूहे को मार गिराएगा उसको मैं इनाम दूंगा। उसी राज्य में एक गांव में रंजीत नाम का आदमी रहता था और वह अपने उड़ने वाली नाव की मदद से लोगों को इधर उधर लेकर जाता था और अपनी जिंदगी काटता था। उसको भी राजा की यह बात पता चली और उसने चूहे को पकड़ने की ठान ली। फिर वह चूहे का पीछा करते करते जंगल की ओर जाने लगा और वह देखकर एकदम हैरान हो गया, वह तो एक नकली चूहा था। फिर वह अपने दोस्त की मदद से उस चूहे का पीछा करता है और थोड़ी देर बाद उस उड़ने वाली नाव से एक रस्सी नीचे करता है और उसका दोस्त रस्सी से उतरकर उस चूहे के पूंछ में रस्सी बांध देता है। थोड़ी देर बाद वह उड़ने वाली नाव उस चूहे को एकदम ऊपर उड़ा ले जाती है और थोड़ी देर तक उड़ाने के बाद उसको नदी की ओर लेकर जाता है और थोड़ी देर तक उसको पानी में डुबाकर ऊपर की ओर खींच लेता है और वह नकली चूहे का खिलौना काम करना बंद कर देता है। उसके बाद वह उस चूहे को उठाकर राज्य में लेकर जाता है और राजा को दिखाता है। उसके बाद राजा चमन को अपने जेल में डालता है और रंजीत को बहुत सारा इनाम देता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैसा कहानी देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करें।